कोरोना वायरस को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। वहीं जिला किन्नौर की नाको पंचायत के लोग लॉकडाउन के नियमों की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं, लेकिन पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र मलिंग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता न होने के कारण काफी समय से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंचायत वासु ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नाको पंचायत में स्वास्थ्य कार्यकर्ता व एम्बुलेंस सेवा 108 की सुविधा मुहैया करवाई जाए, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। नमस्कार। आज जहां पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा जो 21 दिन का लॉकडाउन घोषित हुआ, उसमें सारा हिंदुस्तान एकजुट होकर इस लॉकडाउन में सहायता कर रहा है। वहीं किन्नौर में भी हमारे नाको पंचायत में जो नाको मलिंग का यंगथंग जिसके अंतर्गत आते हैं, यहां पर भी पूरे लोग पूरे तन मन धन से इस लॉकडाउन को सक्सेस बनाने में लगे हुए हैं। परंतु आज दुख की बात है कि वहाँ पर एक भी स्वास्थ्य सुविधा ना होने के कारण वहाँ के लोगों को बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ रही है। आज छोटे मोटे बीमारी के लिए भी उन्हें दूर दूर गांव तक जाना पड़ रहा है, और उसके बीच में उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये लॉकडाउन की वजह से उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि हमारे वहाँ पर सब हेल्थ सेंटर होने की वजह से होते हुए भी पर वहाँ पर एक भी स्थायी कर्मचारी नहीं है, स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी में अगर वहाँ से कहीं पेशेंट को ले भी जाना पड़े, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई भी कोरोना पीड़ित या इस प्रकार कोई केसेस आते हैं, तो उनको अगर कहीं ले भी जाना पड़े तो हमारे 108 की सुविधाएं भी वहाँ पर जो है बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। जो गाड़ी है 108 की जो हमें मुहैया करवाई गई है, वो तो धक्का स्टार्ट है, नंबर 1 चारों टायर उसके घिसे हुए हैं और कहीं भी जाके वो खड़ी हो जाती है। तो हमारे प्रशासन से निवेदन है, कृपया करके वहाँ पर हमारे जो सब हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर एक स्थायी जो स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त करने की कोशिश करें, और दूसरा हमें एक नया 108 गाड़ी की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।